तो अब हम एक एक करके समुच्चय को एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हें मालूम है मैंने 8 समुच्चय लिखवाए थे, है ना, 8 समुच्चय लिखवाए हुए। तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और तुम्हें ये भी याद होगा मैंने तुम्हें राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद, जहां पर तुम्हें शब्द दिखाई देगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय का कनेक्शन होता है निवासी से, चाहे फिर उस निवासी ने उसे घरेलू सीमा में बनाया हो, चाहे घरेलू सीमा से बाहर बनाया हो, समझ रहे हो ना। और घरेलू उत्पाद का क्या कनेक्शन होता है, घरेलू उत्पाद का कनेक्शन होता है घरेलू सीमा से, चाहे उसे निवासी ने बनाया हो या गैर निवासी ने। वो डायग्राम याद है ना, वो डायग्राम याद होना चाहिए। उसी डायग्राम के बेस पर ये 8ों के 8 समुच्चों को एक्सप्लेन करना है, अगर वो डायग्राम याद है। और तुम्हें ये भी याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NFI इक्वल टू नेशनल इक्वल टू, है ना। तो वो सारे फॉर्मूले भी याद रखने, खास करके थोड़ा सा हिंदी में, है ना। वैसे मैं साथ साथ बताता चलूंगा। अब एक एक करके हर एक एग्रीगेट हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले कैपिटल ए टॉपिक डालो, एक एक करके सारे समुच्चय एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। तुम लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूं, अगर बच्चों के पास हिंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, नाम सिर्फ नाम इंग्लिश में लिखना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी इंग्लिश में करोगे, ठीक है। तो देखो मैं भी लिखूंगा तुम लोगों के साथ। पहला समुच्चय लिखो बाजार कीमत पर। ये मत सोचना जो 8 समुच्चय मैंने लिखवाए मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा एक एक करके। कभी कभी क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना समुच्चय, तो मैं आगे पीछे पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चौथे नंबर का समुच्चय है उसे मैंने पहले पढ़ा दिया, दूसरे नंबर का समुच्चय मैंने 7वें नंबर पे पढ़ाया, है ना। तो इस बात से परेशान मत हो ना कि मैंने नंबरिंग गलत डलवा दी। हमेशा ध्यान रखो नंबरिंग से क्या होता है, मुद्दे की बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो नंबरिंग पे मत जाना, क्योंकि मुझे नंबरिंग खुद याद नहीं रहती कि मैंने पहले कौन सा लिखवाया होगा, है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा बहुत सही, लेकिन तो फिलहाल ये है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो मैं वो टीचर हूं, तुम्हें लिखवाने से पहले ही इसकी डेफिनेशन याद करा दूंगा, और मैं नहीं याद कराऊंगा, मेरे बिना पढ़ाए तुम लोग बताओगे बिना पढ़ाए। अभी नहीं पढ़ाया ना मैंने, अभी देखना पूरी डेफिनेशन तुम खुद बता दोगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो वाले फॉर्मूले नेट प्लस डेप्रिसिएशन NIT वगैरह वो याद होने चाहिए, और जो डायग्राम मैंने बनवाया था घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद का वो पता होना चाहिए, ठीक है। और बस ये छोटी छोटी बात है। अब देखो हालांकि मैं हेल्प करूंगा, पूरा तुमसे नहीं पूछूंगा। देखो इतना बड़ा एग्रीगेट लिखा हुआ है, पूरे एग्रीगेट को ना एक काम करता हूं पहले इंग्लिश में भी लिख देता हूं, और आसानी हो जाएगी। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया MP, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। मार्केट प्राइस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। शॉर्ट में भी लिख दूं, मतलब ऐसे GDP MP, याद है ना एग्रीगेट्स लिखवाए, 8 के 8 एग्रीगेट्स लिखवा रखे हैं मैंने, उन्हीं को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। अब सारे तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, शक्तिमान तो हूं नहीं मैं जो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अब देखो पूरी डेफिनेशन तुम बताओगे, सिर्फ शब्दों को तोड़ना सीखना है। बोर्ड पे देखो मुझे बताओ घरेलू उत्पाद ये कौन सा वाला एग्रीगेट है। घरेलू उत्पाद इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जिन्हें घरेलू सीमा में बनाया गया है, जिन्हें निवासी ने या गैर निवासी दोनों ने बनाया है। बात खत्म हो गई ना, एक लाइन तैयार हो गई हमारी। इस एग्रीगेट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना एक पेज भर जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस वर्ड का मतलब समझ लिया पूरा तो वो पेज तुम याद भी नहीं करोगे, अपने आप ही भर जाएगा। देखो घरेलू उत्पाद का मतलब बताओ, समझ में आ रहा है ना कौन सा एग्रीगेट है, घरेलू उत्पाद।
इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिन्हें घरेलू सीमा में बनाया गया है और जिन्हें निवासी या गैर निवासी ने बनाया गया है 1 साल के दौरान, हमेशा 1 साल। ठीक है, अब आगे बढ़ो। सकल, तुम्हें याद है ना सकल का मतलब होता है ग्रोस, सकल का मतलब क्या होता है? ग्रोस। और तुम्हें याद होगा ग्रोस का फॉर्मूला क्या था? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रोस का क्या फॉर्मूला था याद है ना? कोई बात नहीं, याद नहीं है तुम मेरी बातों को सुनो, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ग्रोस का फॉर्मूला क्या था? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, देखो डेफिनेशन बढ़ गई, इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिन्हें घरेलू सीमा के अंदर बनाया गया है, जिन्हें निवासी या गैर निवासी ने बनाया गया है, और इन वस्तुओं में मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। क्या लिखा होता? ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन ना, प्लस। प्लस का मतलब क्या है? कि डेप्रिसिएशन शामिल है। अब जरा और आगे बढ़ो, पता चल गया ना सकल का मतलब। अब जरा इधर आ जाओ, बाजार कीमत। तुम्हें एमपी का भी फॉर्मूला याद होगा, एमपी का फॉर्मूला था फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अब ध्यान से सुनो, देखो डेफिनेशन और बढ़ेगी। अब ऐसी वस्तु या सेवा जिसको घरेलू सीमा में बनाया गया है, चाहे निवासी ने बनाया हो या गैर निवासी ने बनाया हो, इसमें मूल्य ह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है। इसके अंदर मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है। समझ रहे हो ना? अगर वो फॉर्मूले, अगर वो लॉजिक्स याद है तो तुम्हें कभी भी ये एग्रीगेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन 8 एग्रीगेट के बेस पर 8 डिफरेंस आ जाएंगे, मैंने बताया था ना कितने डिफरेंस बन जाते हैं, 56, 56 अंतर बन सकते हैं, 56। और सोचो 56 अंतर को याद करना बड़ा मुश्किल है ना। देखो 3 डिफरेंस तो तुमने अभी बता दी है, घरेलू सीमा में बनने वाला उत्पाद, इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, इसको निवासी या गैर निवासी बनाता है, कितने डिफरेंस बता दिए? 4। और पेपर में जब भी कोई डिफरेंस आता है ना, अंतर निकालने को आता है, अगर पेपर में आएगा ना जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में अंतर लिखी है, तो 4 नंबर में आएगा या 3 में आएगा, 5 में या 6 में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। खैर 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा नहीं, 4 नंबर में भी आता है, तो 4 अंतर तो तुमने अभी बता दिए। देखो बिना याद करे, ये घरेलू सीमा के अंदर बनाया जाता है, इसके अंदर मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है, इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल नहीं होता है, इसको निवासी या गैर निवासी बनाता है। 4 डिफरेंस हो गए ना, यही 4 डिफरेंस 8 एग्रीगेट के अंदर तुम्हें कौन बताएगा बार बार? फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला याद है और वो डायग्राम याद है, याद है ना राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद वाला डायग्राम, देखा? अब तुम 8 एग्रीगेट है ना खुद कर सकते हो मेरे पढ़ाए बिना। अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखवाया, कुछ भी, लेकिन तुम्हें याद हो गया होगा घरेलू का मतलब, सकल का मतलब और बाजार, याद है ना वो 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन पहला फॉर्मूला, नेशनल का फॉर्मूला क्या था? डोमेस्टिक प्लस एनएफआई है दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, है ना? इंग्लिश में मैंने बोले हैं लेकिन हिंदी में भी याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना। अब देखो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब लिखो इंप्लाइज दैट का साइन लगा के आगे एक्सप्लेन करना है, अब लिखो एक्सप्लेन करेंगे, है ना? अब देखो कितनी आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम पूछोगे भी नहीं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। पूरे एग्रीगेट को ना तोड़ तोड़ कर समझो, शब्दों को तोड़ तोड़ कर उनमें घुस जाओ। लिखो लिखो, एक वर्ष के दौरान, एक जब भी बात करेंगे एक वर्ष की करेंगे, ठीक है, हर एक समुच्चय एक वर्ष के हिसाब से हमेशा ही आएगी ये वाली लाइन, तो एक वर्ष के दौरान मैं ना 8 के 8 एग्रीगेट में लैंग्वेज भी चेंज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल उसी तरह से लिखवाता रहूंगा जैसे मैंने पहले एग्रीगेट में लिखवाया है, उससे क्या होगा तो मैं रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। एक वर्ष के दौरान
सभी उत्पादकों द्वारा, ये लाइन हमेशा चिपकाऊंगा हमेशा, एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा, सभी उत्पादकों द्वारा घरेलू सीमा में बनाया गया, एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा, सभी उत्पादकों द्वारा, ये लाइन तुम्हें हर एक में मिलेगी, ठीक है। अब आगे बदलेगी लाइन, एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा, उत्पादक होते हैं ना प्रोड्यूसर, जो चीजों को बना रहे हैं वही तो बना रहे हैं, सभी उत्पादकों द्वारा घरेलू सीमा में बनाया गया, घरेलू सीमा में बनाया गया, पता है ना घरेलू सीमा क्यों आया है, क्योंकि कौन सा उत्पादन है, घरेलू उत्पादन, और घरेलू उत्पादन कहां पर बनता है, घरेलू सीमा में, चाहे फिर वो निवासी बनाए या गैर निवासी बनाए, लेकिन घरेलू सीमा जरूर होनी चाहिए, याद है ना वो डायग्राम, घरेलू सीमा में बनाया गया, सभी उत्पादकों द्वारा घरेलू सीमा में बनाया गया उत्पादन, घरेलू सीमा में बनाया गया उत्पादन इसमें शामिल किया जाता है। एक बात खत्म हो गई ना, घरेलू सीमा। अब मुझे बताओ निवासी बनाएगा या गैर निवासी, कोई भी बना सकता है ना, लिखो इसी के अंदर, देखो चारों बातें लिखनी है, चारों बातें लिखने के बाद है ना इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी दिखाई देगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या करना, तुम्हें इतने बड़े से डरना थोड़ी ना है, तुम्हें तो ये चार शब्दों का खेल समझना है बस, हर एक एग्रीगेट में ये चार शब्द बस, हर एक एग्रीगेट में आएंगे, हर एक समुच्चय में, बनाया गया उत्पादन इसमें शामिल किया जाता है, लिखो अभी इसी के अंदर, इसमें बनाई गई वस्तुएं, है हाँ ना, वस्तुएं ही तो है, उत्पादन बोलो या वस्तुएं बोलो या सेवाएं बोलो, एक ही बात है, इसमें बनाई गई वस्तुएं या सेवाएं, इसमें बनाई गई वस्तुएं या सेवाएं निवासी या गैर निवासी द्वारा हो सकती हैं, है हाँ ना, चाहे निवासी बनाए या गैर निवासी, डाउट तो नहीं हो रहा ना कि मैं क्या लिखवाए चला जा रहा हूं, तुम्हें मालूम है ना मैं लिखवा क्या रहा हूं, आधे बच्चे बहुत से ट्यूशनों में बहुत से स्कूलों में इन समुच्चयों को रटना पसंद करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये है क्या, निवासी गैर निवासी घरेलू सीमा, इसमें बनाई गई वस्तुएं या सेवाएं निवासी या गैर निवासी द्वारा हो सकती हैं, निवासी या गैर निवासी द्वारा हो सकती हैं, निवासी या गैर निवासी द्वारा हो सकती हैं, ठीक है। घरेलू शब्द खत्म हो गया ना, देखो हमने इसका सहारा ले लिया, अब किसकी बारी आ गई, सकल की, और सकल का मतलब इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल होता है ना, लिखो इसी के अंदर, एक ही लाइन में चलेगा पूरा, पॉइंट मत बनाना, मैं हमेशा कहता हूं इको में पॉइंट बनाओ, इसमें मत बनाना एग्रीगेट में, क्योंकि पॉइंट आएगा ना तो पॉइंट तब बनाना जब डिफरेंस पूछे, अभी तो मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं, लिखो लिखो, इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है, इसमें याद है ना वो फॉर्मूले, इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है, कोई डाउट तो नहीं है ना, सकल, सकल का फॉर्मूला क्या था, शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास, इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है, मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है, मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है, ये वाला शब्द भी खत्म हो गया ना, बिल्कुल। मुझे बताओ बाजार कीमत, बाजार कीमत से क्या समझते हो, किसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है ना, लिखो
लिखो, बाजार कीमत होने के कारण, बाजार कीमत है ना, बाजार कीमत होने के कारण इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखना पूरा है, कभी शॉर्ट में लिख दो एनआईटी, एनआईटी मत लिखना, यहां पर पूरा लिखना है, यहां पर कहीं पे भी कंजूसी नहीं करनी। बाजार कीमत होने के कारण इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी, बाजार कीमत होने के कारण इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है। ठीक है, ये तो था इसका मेन कंसेप्ट है ना। अब इसकी थोड़ी सी खासियत पढ़ेंगे, इसी हेडिंग के अंदर एक डॉट बना दो, लिखो जीडीपी एमपी। बताओ यही तो एग्रीगेट है जो लिखवाया है मैंने, अब बार बार इतना बड़ा थोड़ी ना लिखूंगा, जीडीपी एमपी लिख दिया। लिखो जीडीपी एमपी की विशेषताएं, इसकी क्या क्या खासियत होती है। अब देखो तुम्हें विशेषताएं भी खुद ही समझ में आ जाएंगी। विशेषताएं क्या है, इसके शब्दों को तोड़कर एक्सप्लेन करना है। बताओ जीडीपी एमपी में सबसे पहले क्या आ रहा है, सकल ग्रोस है ना। लिखो नंबर वन कि सकल का क्या मतलब है, पहली विशेषता लिखो सकल। सकल के लिए लिखो कि सकल का क्या अर्थ है, कई बार पेपर में आ चुका है सकल का क्या अर्थ है, एक नंबर में, ये बात ध्यान रखना। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या मतलब हुआ, सकल क्या होता है। लिखो सकल का अर्थ है इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, याद है ना, ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, वहीं से बना है। सकल का अर्थ है, सकल का अर्थ है इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, सकल का अर्थ है इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, मूल्य ह्रास, इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। मैं मूल्य ह्रास का एक दूसरा नाम और लिखवा रहा हूं, जब मैं न्यूमेरिकल वगैरह करवाऊंगा, पता नहीं मैंने बताया है या नहीं बताया, कोई बात नहीं, बताया तो भी लिख लेना, नहीं बताया हो तो लिखोगे ही, खैर है ना। लिखो एक दूसरा नाम और लिखवा रहा हूं मूल्य ह्रास का, इसी में लिख लो, इसी लाइन में, सकल का अर्थ है इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। लिखो मूल्य ह्रास को स्थिर, मैं कभी भी ये दूसरा नाम पूछ सकता हूं तुम लोगों से, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, किसको कहते हैं, मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। ठीक है, अब लिखो दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में हम बात करेंगे घरेलू की, कि इसके अंदर घरेलू का क्या मतलब है। लिखो मैं तुम्हें घरेलू के लिए एक नया शब्द लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, घरेलू को देशीय भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, देशीय। जितने भी शब्द लिखवाऊं सारे शब्द लिखते रहा करूं, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे और टेस्ट में भी, और उनको ध्यान भी रखना, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखवाया था, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, मैंने ये लिखवाया ना, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको ये भी कहते हैं, बाजार कीमत पर सकल देशीय उत्पाद, मतलब घरेलू की जगह कौन सा शब्द लग सकता है, देशीय, लेकिन इंग्लिश में वही होता है डोमेस्टिक। इंग्लिश में घरेलू को भी डोमेस्टिक और देशीय को भी डोमेस्टिक, ठीक है, इसलिए लिख लेना देशीय भी बोलते हैं। तो बताओ घरेलू का क्या मतलब है, घरेलू उत्पाद का यही तो मतलब है कि कहां पर बनाया गया है, घरेलू सीमा में, चाहे उसको निवासी ने बनाया हो या गैर निवासी ने बनाया हो, है ना। लिखो अब इसके आगे, घरेलू के आगे लिखो, लिखो लिखो इसमें एक देश के सामान्य निवासी, इसमें एक देश के सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा, है ना, चाहे निवासी बनाए
या गैर निवासी? तुम सोच रहे होंगे मैंने सामान्य निवासी क्यों लिखवा दिया, ध्यान रखना निवासी या सामान्य निवासी एक ही बात है, रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट एक ही बात है। इसमें एक देश के सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं होती हैं। इसमें एक देश के सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं होती हैं। निवासियों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं होती हैं, है ना? चाहे निवासी बोलो चाहे सामान्य निवासी एक ही बात है ना? तो सामान्य निवासी और गैर निवासी कोई भी बनाए जीडीपी एमपी में ही आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या जा